भाइयों बहनों, अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह को अपना बनाओ। हम धोखे में पड़ गए, किन किन चीजों को अपना बना रहे जो है ही नहीं अपना। और वो जो कह रहा है मैं तेरा हूं तू मेरा बन जा, उसको छोड़ा हुआ है। कोई मां कोई बाप दिखाओ जो नाफरमानी के बावजूद भी मोहब्बत को बाकी रखे। माओं की जबानों से बद्दुआएं सुनी है औलाद के लिए, माओं की जबानों से जो सबसे मेहरबान रिश्ता है। और करोड़ों माओं से ज्यादा जो प्यार करने वाला है, सुबह से शाम तक हर नाफरमानी देख कर कहता है इंतजार कर रहा हूं जब आएगा तौबा कबूल। कभी ताना नहीं सुनोगे अल्लाह से, अब क्यों आए हो पहले कहां थे। आओ तो सही ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज। चूंकि मेरे अल्लाह को पता है कि ये भूलने और भूलने वाला है, तो उसने तौबा के लिए उम्र की कैद कोई नहीं, अदद की कैद कोई नहीं। 60 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायर कर लेती है, अल्लाह कहता कोई रिटायरमेंट नहीं। 80 साल की उम्र में भी तौबा करेगा तो कबूल करो, 90 साल की उम्र में तौबा करेगा कबूल करो। फिर वार्निंग होती है, इतने आपको टिकट लग गए तो आपका वो लाइसेंस वो जब्त कर लिया जाएगा। मेरा अल्लाह कहता लाख टिकट ले ला पर तौबा कर मैं माफ करूंगा। कोई अदद की कैद, 100 दफा टूट गई तौबा, 1000 दफा टूट गई, करोड़ दफा, उन कड़ा फर्क पै जाता। मेरे सजदा नाल कड़ा वड्डा होंदा है या मेरे गुनाह नाल कड़ा छोटा होंदा है। लन तबलुगु दुर्री फतदुरूनी वलन तबलुगु नफ़ी फतनफ़ऊनी। तुम्हारे नफे मुझे नहीं पहुंचते, तुम्हारे नुकसान मुझे नहीं पहुंचते। لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وانثاكم هاي هاي سوري کائنات کو گن دیا، پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان مرد عورت کالے گورے عرب عجم سب 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 على اتقى قلب رجل واحد منكم। تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ، ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو۔ ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا۔ اور تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اسے پرواہ کوئی نہیں، کہ آؤ تم توبہ کرو، دیکھو معاف کیسے کرتے۔ ہاتھوں سے بنا ہے نا، प्यार है, नहीं चाहता इसको आग में फेंकना, नहीं चाहता। रास्ते खोल दिए, आस लगा दी, रहमत को गालिब किया। मैंने अभी आपको 99 नाम अल्लाह के गिन के सुनाए हैं, इनमें सिर्फ एक नाम है जो अल्लाह के गुस्से और गजब को बताता है, वो अल मुंतकिम। बाकी तो सब मोहब्बत बता रहे हैं। या बात ये जो कहार है, उर्दू में कहार और माना में है, अरबी में कहार कहते हैं गालिब आने वाले को, छा जाने वाले को, जब्बार का वो मतलब नहीं जो हम उर्दू में समझते हैं। ये कहार और जब्बार गजब के लफ्ज नहीं है, ये शहनशाही के अल्फाज हैं। अल्लाह अपनी शहनशाही बता रहा है। 99 में एक नाम है अल मुंतकिम, बाकी दूध में पानी डालो लस्सी नहीं हो जाती। तो हैं दूध में पानी डालो लस्सी हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा अल मुंतकिम, एकदम कायनात पे लर्जा छा गया। साथ ही दो नाम, अगले जो दो नाम हैं अल मुंतकिम, अल अफुव अर रऊफ। अब अल अफुव अर रऊफ डाल के लस्सी बना दिया, अपने गजब को भी ठंडा कर दिया, बर्फ डाल दी पानी, पानी ठंडा हो गया। हाय हाय, ये भी चंद दिन पहले मैंने सोचा, मुझे ख्याल आया, मैं पहले कभी नहीं इस तरह ख्याल गया कि मैं एक दफा मैंने वो अस्माए हुस्ना पढ़े तो अल मुंतकिम, अल मुंतकिम के बाद दो नाम, दो नाम अल मुंतकिम, अल अफुव अर रऊफ, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम।
पहले एकदम अल मुंतकिम के जरिए से हैबत हैबत, साथ ही अल अफव अर रऊफ, मेहरबान माफ करने वाला, मेहरबान माफ करने वाला। दो आदमियों को आखिरत में ना अल्लाह पकड़ेगा, डाल दो जहन्नम में, एक दौड़ लगा दे, एक दौड़ लगा दे, एक थोड़ा चल के पीछे देखेगा, फिर चलेगा, फिर पीछे देखेगा, तो अल्लाह दोनों को बुलाएगा, अबे तू दौड़ क्यों लाई, तेनू पता नहीं अगो आग गए। कहने लगे या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी नहीं मानी, सोचा आज मान लो शायद तेरी रहमत हो जाए। अच्छा अबे तू क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, कही अल्लाह तेरे नेक बंदों से सुना था कि तू बड़ा मेहरबान है, तो मैं मुड़ मुड़ के देखता था कि तू मुझे हूं ही वापस बुला लेगा, अच्छा आ जा आ जा आ जा, तो लगेगा चलो तुम दोनों को माफ किया जाओ जन्नत में चलो। अल अफव अर रऊफ, कोई उम्र की कैद नहीं, कोई अदद की कैद नहीं, लेकिन अदल है, अदल ये ना हो कि तौबा भी ना करे और कहे अल्लाह पे माफ करेगा, ये जुल्म नहीं हो सकता, फिर तो सारी करबलाओं की तारीख खत्म हो जाएगी, आले बैत का खून पानी बन जाएगा, कायनात का, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, कायनात का अफजल तरीन खून बह गया, अफजल तरीन हस्तियों की गर्दनें कट के सर नेजों पे चढ़ गए और पैगाम दे गए कि अल्लाह को राजी करने के लिए हर सौदा सस्ता है, चंद पौंड पे ईमान बेच देना, चंद पौंड पे जमीर को सुला देना, ये कहां की इंसानियत और कहां का इस्लाम है और कहां का ईमान है। तो भाइयों बहनों, अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है, तो जब वो नाफरमान होता है ना, फिर एक और बात बताऊं, कोई आपसे नाराज हो जाए, आप उसे मनाने जाओ, आपको वेलकम करेगा, आपके लिए दरवाजा खोलेगा, कहेगा कल है जो सोचेंगे, वो तो तुम्हें दरवाजे से ही बाहर भेज देगा। तुम मनाने जाओ तो कोई पंचायत लेके जाते हो, मनाने जाओ तो मिन्नतें अगले करवाते हैं, फिर कहते हैं सोचेंगे। ये है कोई अकल में आने वाली बात के गुस्से में गजब में हो और अगला माफी मांगने आ रहा हो और आगे उसका इस्तकबाल करे, हो सकता ये नेचर ही नहीं। मेरे एक बुजुर्ग नाराज, दोनों बुजुर्ग थे भाई, आपस में लड़ पड़े, मैं सुलह कराने लगा, वो एक मेरे उतर ही चढ़ाई कर, तो मैं उनको मनाने गया, तो मैंने अपना मुलाजिम भेजा, पता करो मियाँ साहब घर में, उन्होंने मेरे मुलाजिम को देखा तो घर से उठ के डेरे में चले गए कि लगता है इस बंदा गलिया, पता करण मैनू मनाव ना आ गया। ये नेचर है, ये नेचर है। तो जो शहनशाह है, शौहान शाह, ओए शहनशाह वाला, जब सारी जिंदगी नाफरमानी करके उसको मनाने का ख्याल आया, जवानी में तो बहुत आला चीज है, सारी जिंदगी वो क्या करता है, मन तकर्रब इलैय तलक्कैतुहु मिन बअद, कोई तुम्हारा खुसूसी दोस्त मेहमान आए तो तुम बाहर निकल के वेलकम करते हो, आम लोग मिलने आए तो अपने कमरे में ही, लेकिन कोई खुसूसी पता चले तो भागते हो जल्दी से जाकर दरवाजे पर खड़े हो, तो गाड़ी का दरवाजा खोल दो, फिर साथ लेकर आते हो। वो शहनशाह कह रहा है, जिंदगी भर के गुनाह लेकर कोई मर्द औरत जब मुझे मनाने आता है तो मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूं, आगे बढ़ के, वहीं बैठे हुए आगे बढ़ के, तलक्कैतुहु मिन बअद, मैं खुद आगे तक जाता हूं उसे साथ लेके, आ गए, कब से तेरा इंतजार था, अल्लाह को क्या जरूरत किसी की।